पहली बात तो पीड़ित परिवार के पास आने से रोकने का पुलिस का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम इनके पास आएंगे नहीं, इनकी बात को सुनेंगे नहीं, तो आपके आपसे क्या रखेंगे और पूरे देश को क्या बताएंगे? हम इस समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब इस देश में बहन बेटियों पर कोई आपत्ति आती है, जब कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो जहाँ ये हालात है कि यहाँ दो दो किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही है, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी सुरक्षा की मांग करता हूँ। और सीबीआई जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि सीबीआई जांच भी सरकार के आदेश पर काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो सीबीआई की चाबी घूमती है। सीबीआई का इस देश में अभी यही काम है। इस सरकार में पहले क्या होता था उस पर नहीं बात करेंगे, आज इस पर बात करेंगे। सरकार के रूपरेखा पे जो इन्होंने काम किया है, इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे इनके एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंसियां सिर्फ वो करेंगी जो सरकार चाहती है, तो वो रिटायर्ड जज हो, और अगर बहुत अच्छा करना चाहती सरकार, अगर सरकार पूरे देश में जो विरोध है तो उसको समझते हुए सरकार ये करेगी, वो अगर शेड्यूल कास्ट का जज हो या माइनॉरिटी का जज हो या बैकवर्ड का जज हो या वो जज हो कोई जो भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो, तो उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये सीबीआई और उससे काम नहीं चलेगा। जो कुछ यहाँ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से उस दिन बुआ जी को पीटा गया, बुआ जी यहाँ है, बुआ जी को पीटा गया, ये पीड़ित परिवार, जब पीड़ित परिवार का सरकार न्याय नहीं करेगी तो कौन न्याय करेगा? जिस तरह से हमारे लोगों के पे पुलिस ने अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, आप ये बताइए जब यहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं तो यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। कल यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ मांग करता हूँ कि मैं परिवार को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या तो सरकार यहाँ वायु श्रेणी की सुरक्षा की घोषणा करे और वो परमानेंट परिवार के साथ रहे। हम मेरे साथ पीड़िता बहन के पिताजी हैं, वो मेरे परिवार के हैं, वो आपसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। भाऊ जी बहुत डर जैसा महसूस है और हमें तो बहुत ज्यादा डर है और क्या कहते आगे हम कुछ बोल ही ना पा रहे है ना। तो हमें तो यही है क्या कहते कम से कम ना तो हमें या तो भैया के संग चले जाएंगे या नहीं तो हमें सुरक्षा दी जाए। यही जो है, यही लोग जो हैं धमकी दिला रहे हैं, प्रशासन के लोग यही लोग जो है डरा रहे हैं। तो मैं ये मांग करता हूं कि सरकार अगर दलितों के साथ न्याय करना चाहती है, उस बेटी के साथ न्याय करना चाहती है, तो पीड़ितों का सुरक्षित रहना जरूरी है। जब ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? इसलिए मैं पीड़ित परिवार को साथ जाने की मांग करता हूँ और पीड़ित परिवार इस पर सहमत है। आप लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं? आपको लगता है मेरे साथ आप लोग सुरक्षित हैं? हुआ आप लोग मेरे साथ सुरक्षित हैं? पूरा परिवार यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ दो दो किलोमीटर पंचायतें हो रही हैं। कल को कोई भीड़ आके हमारे परिवार पे हमला कर देगी। सरकार में बैठे लोग पुलिस को का जिस तरह यूज कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं। पूरे देश में जो खलबली है, पूरे देश में जो आक्रोश है, सरकार को उसको समझते हुए इस मांग पे गौर करना चाहिए। और मैं खुद चाहूंगा, मैं अधिकार पर बात करूंगा, पीड़ित परिवार को साथ लेके जाऊं। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं चाहता कोई भीड़ जो है कल मेरा परिवार सिर्फ अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाए। धन्यवाद सर। सीबीआई जांच हमने बहुत सारी पहले देखी है और हमने ये भी देखा कि जब भी कोई इनके सरकार के खिलाफ बोलता है सीबीआई उस पर लगा दी जाती है। सीबीआई भी सरकार की एजेंसी है। जब सरकार की न्याय देने की नीयत है ही नहीं, नीयत होती तो जिस तरह से हमारी बहन का शव जलाया गया, जिस तरह से पीड़ित परिवार को जबरन उठा के लाया गया, जिस तरह से पीड़िता के शव को जबरन बिना हमारी जानकारी के उठा के लाया गया, इससे स्पष्ट होता है। जिस तरह से डीएम बैठ गया धमकी, ऐसे डीएम को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है और उसको कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री ने आज तक उसको जो है जुगत रखा है। इसका मतलब वो डीएम ने जो किया है उसके कार्य से खुश है। किस कैटेगरी की सुरक्षा चाहता है परिवार? मैं वाइस ट्रेनिंग की सुरक्षा चाहता हूँ। जब यहाँ कंगना रनौत को सुरक्षा मिल सकती है तो पीड़ित परिवार को क्यों नहीं मिलती? जबकि एक्ट में प्रावधान है,
एक्ट को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मैं परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है और परिवार के लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। आप परिवार के लोगों से जान लीजिए, पीड़िता के भाई यहाँ खड़े संदीप, हम आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं अपने घर ले जाऊंगा, ठीक है, और जहाँ मैं रहता हूँ ना। चंद्रशेखर जी, एक इशू आपकी सुरक्षा, हाँ मैं गारंटी लेता हूँ, अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं करता तो बताए, भीम आर्मी के 10,000 लोग यहीं पर पीड़ित परिवार सुरक्षा करेंगे, वो अथॉरिटी दे, मैं करूंगा सुरक्षा। मैंने क्या कहा? मैंने बताया ना, जांच ही चल रही है और जांच चलती रहेगी, और जिस तरह का की कार्यशैली है, मुझे ये भी नहीं पता है कल मेरे ही परिवार को आरोपी बना दिया जाएगा। चंद्रशेखर भाई, एक खास तरह के जज की आपने बात कही कि जज ये होना चाहिए, क्या इसके पीछे वजह ये है? मैंने बहुत सारे ऐसे आदेश देखे हैं जिनके बाद सरकार ने प्रमोशन किए हैं, इसलिए मैं क्योंकि उस जज पे किसी का दबाव नहीं, उस पर खाने आगे बढ़ने को या प्रमोशन के लिए कुछ नहीं है रिटायर्ड जज पे, लेकिन उनको मुझे सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। जिस तरह से सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पे कोई भरोसा नहीं। प्रशासन से, सरकार से किसी पे भरोसा नहीं है, तो मतलब इस तरह से अगर और भी केस होंगे तो कैसे चलेगा कि हर कोई अगर यही सरकार रोके ना, जितनी पुलिस यहाँ लगाई गई है, जितनी पुलिस पीड़ितों से मिलने आने वालों को रोकने में लगाई गई है, उतनी पुलिस जो है बहनों की बेटियों की सुरक्षा में क्यों लगाती सरकार? अगर अपराधियों को सरकार संरक्षण देगी तो अपराध बढ़ेगा कम होगा? आप यहाँ पे आए हैं अभी, आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी इशू है, गांव में ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये बताया गया, फसलों में भी लोग छुपे हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये सरकार और प्रशासन तय करे। जब मैं यहाँ, मुझे आने के बाद आपको ये नोटिस है कि मेरी सुरक्षा में कुछ और होता तो पीड़ित परिवार का क्या हाल होगा? यहाँ जब मेरी सुरक्षा पे सवाल उठे तो पीड़ितों के साथ क्या हाल होगा और पीड़ित कितना